नगर परिषद चुनावों के नामांकन प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्ड में चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। पिंजौर वार्ड नंबर 12 स्थित चौड़ा चौक में भाजपा प्रत्याशी चिंतन वर्मा ने अपना कार्यालय खोला। कार्यालय का उद्घाटन हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन हवन पूजा कर किया गया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। देखिए, जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं जीत करके आ रही है, आने वाले इन नगर परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से जीत के आएगी। और कालका में तो विशेष तौर पर चाहे हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी हैं श्री किशन लांबा जी और सभी वार्डों के उम्मीदवार, चाहे वार्ड नंबर 12 से हमारे चिंतन वर्मा है या और साथी हैं, बड़ी भारी संख्या के अंदर यहाँ से जीत करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो आज नरेंद्र मोदी जी का रुतबा है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश की सेवा की है, सबसे गरीब व्यक्ति की सेवा की है, सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों के ज्वाइन करने की होड़ लगी। कल ही आपने देखा पंजाब के अंदर जिस प्रकार से जो पूर्व मंत्री, पूर्व MLA, पूर्व जो वहाँ के नगर परिषद के, नगर पालिका के, नगर निगम के चेयरमैन, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। आज देश का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े। गुप्ता जी, 31 वार्ड में से कितने वार्ड में जीत निश्चित करके चल रहे हैं? देखिए, कम से कम मैं बताता हूँ, 3/4 जो है ना, 25 वार्डों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।